ये इस प्रकार की सवारी गाड़ियां भारतीय रेलवे में अब आपको दिखाई नहीं देंगी और ये सारी की सारी सवारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। इन गाड़ियों के बंद होने में भी यात्रियों का बड़ा लाभ है, बड़ा फायदा है। भारतीय रेलवे ने कुछ अलग सोचा है, अब कुछ हटके सोचा है। नवनीत युग, नए युग की पहचान बनाएगी भारतीय रेलवे। और इनका बंद करने का कारण यह है कि आप देख रहे हैं एक सवारी गाड़ी में लगभग 12 या 14 कोच होते हैं और उनमें 1000 या 1100 यात्री यात्रा कर पाते हैं। आपने जब भी देखा हो, देख रहे हो आप, मेला जैसा लग रहा है एक यात्री गाड़ी में जाने के लिए। इसमें 12 कोच है और ये गाड़ी यहाँ से इतनी भर जाएगी कि इसमें पैर रखने को भी स्थान नहीं रहेगा। इससे निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नया सोचा है, यात्रियों को यात्रा का नया फील हो उसके लिए कुछ नया सोचा है, यात्रा सुगम एवं सुरक्षित हो उसके लिए भारतीय रेलवे ने कुछ नया सोचा है। और नया सोच के लगभग 3500 सवारी गाड़ियां, जो इस प्रकार की सवारी गाड़ियां चलती है, उनको बंद करके नई ट्रेन लाने के लिए सोचा है। जो सवारी गाड़ियां लगभग 350 किलोमीटर तक यात्रा करती है, उन ट्रेनों को बंद कर दिया जाएगा, उनके स्थान पर नई ट्रेनें लाई जाएगी। उन ट्रेनों में नई सुविधाएं होंगी, वो सुविधाएं ऐसी होंगी कि आपको नई यात्रा का फीलिंग होगा हर बार। और एक ही ट्रेन में लगभग वो 16 कोच की ट्रेन होगी और एक ही ट्रेन में लगभग 3200 मतलब 3200 के आसपास यात्री यात्रा कर पाएंगे, मतलब आराम से बैठ सकते हैं उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो ये भीड़ दिखाई दे रही है ना, जिस प्रकार से कि इनमें पैर रखने को जगह नहीं है, आदमी खिड़कियों से चढ़ रहे हैं, लगेज में चल रहे हैं, ये समस्या उन ट्रेनों में आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। वो सुगम होंगी और उनमें सुविधाएं भी बिल्कुल नहीं होंगी। ये वाली ट्रेन तो आपने देखी होगी, वंदे भारत काफी दिन से चल रही है इसी की तर्ज पे, और इन पैसेंजर ट्रेन जो सवारी ट्रेन है इनको बंद करके नमो रैपिड रेल का संचालन किया जाएगा। 16 सितंबर 2024 को भुज अहमदाबाद के बीच में, गुजरात के भुज अहमदाबाद के बीच में ट्रेन का संचालन शुरू भी कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। नमो रैपिड रेलवे कैसी होगी आगे वीडियो में चल के हम देखेंगे, क्या क्या सुरक्षा रहेंगी उसमें, क्या क्या नया मिलेगा। जो सुविधा अभी परंपरागत तरीके से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों में नहीं मिलती थी, जो सवारी गाड़ियां थी 300-350 किलोमीटर तक जाती थी उनमें वो सुविधा नहीं मिलती थी, वो इस नमो भारत रैपिड रेल में मिलेगी और नई यात्रा का फीलिंग होगा। ये ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। ये ट्रेन मेट्रो की तरह जब डबल लिफ्ट स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे होंगे, सीलबंद लचीले गैंगवे से लैस होंगी। ट्रेन में इंजेक्टर आधारित वैक्यूम निकासी वाला शौचालय होगा। ट्रेन में टक्कर रोधी कवच जैसी उन्नत प्रणाली लगाई जाएगी। पूरी ट्रेन में एसी होनी चाहिए, वो सुविधा भी इसमें दी जाएगी। पूरी ट्रेन को एसी रखा जाएगा और सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। पूरी ट्रेन को सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे जो पूर्ण रूप से सुरक्षित होगी, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा, यात्रा आपकी सुरक्षित रहेगी। यदि आप अभी क्या होता है ना, इन पैसेंजर ट्रेनों में जो परंपरागत रूप से पैसेंजर ट्रेन चलती है उनमें यदि कोई अकेला यात्री यात्रा कर रहा है कोच में तो उसको बड़ा भैंसा फीलिंग होता है, तो वो बह फीलिंग नहीं होगा जो उसमें, इसके संबंध में हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं वो किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। तो ये है देखो रैपिड रेल का एक मॉडल, यहाँ पे जो भुज से अहमदाबाद के बीच में रैपिड रेल चली है वो ये वाली रैपिड रेल है, इसमें ये सब सुविधाओं से लैस है। भारतीय रेलवे में 3500 सवारी गाड़ी बंद की जाएंगी, उनके स्थान पे नमो रैपिड रेल ट्रेन चलाई जाएगी जिसमें आपको एक सुखद यात्रा का फील होगा और कम समय में अधिक दूरी की यात्राएं कर सकेंगे, अधिक यात्री एक ही ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। लगभग 3200 के आसपास यात्री यात्रा करेंगे एक ट्रेन में, अभी 1000-1200 के आसपास यात्री यात्रा कर रहे थे, तो यात्रियों के लाभ ही लाभ है। नमो रैपिड रेल चलने से भारतीय रेलवे में सवारी गाड़ी का एक नया उदय होगा, नई फीलिंग होगी, नया सवेर होगा। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।